मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा बाईपास पर दो दिनों में दो हादसे सामने आए हैं। 20 अप्रैल को एक पहला हादसा मुंब्रा बाईपास पुलिस चौकी से थोड़ा आगे एक स्कूटी सवार को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया, तो वहीं 21 अप्रैल की सुबह में मुंब्रा बाईपास पर मुंब्रा देवी मंदिर के पास एक ट्रक पीछे से दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी। आपको बता दें कि इस हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास अलीशान टॉकीज के पास यूसुफ मेमन खाना बनाकर लॉकडाउन में मजबूर लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, और मुंब्रा बाईपास से सटे हुए जितने भी झुग्गी झोपड़ियां हैं उनमें यहां से खाना पहुंचाने का काम किया जाता है। 20 अप्रैल की रात में करीब 9 बजे 4 से 5 लोग मुंब्रा बाईपास के किनारे बनी झुग्गी झोपड़ियों में खाना पहुंचाने गए थे, मगर वापस लौटते समय सब लोग आगे चले गए और अशफाक शेख 42 वर्षीय पीछे रह गया और किसी अज्ञात वाहन जो वाई जैक्सन से ठाणे की तरफ जा रहा था उसने पीछे से अशफाक शेख को टक्कर मार दी, जिसके बाद अशफाक शेख के सिर में गंभीर चोट लगी और एक पैर की हड्डी टूट गई। बेहोशी हालत में एक राहगीर ने इस अशफाक के ही फोन से जानकारी यूसुफ मेमन को दी, जिसके बाद उसे कलवा शिवाजी अस्पताल पहुंचाया गया, मगर सिर में काफ़ी चोट लगने की वजह से उसे सायन अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस पूरे हादसे के बारे में क्या जानकारी दी है यूसुफ मेमन ने, सुनिए। जिसके साथ हादसा हुआ उसका नाम अशफाक शेख अब्बास है और यह हादसा करीबन रात को 8:30 बजे के आसपास हुआ है। जो खाना भट्टा है ऊपर बाईपास पे, जो हमारी तरफ से खाना बट्टा है वो भी वॉलेंटियर था हमारा, और बांटने के टाइम जब वो रिटर्न आ रहा था तो उसकी एक्टिवा से एक्सीडेंट हो गई। असल में खाना बांटने के लिए एक टेम्पो जाता है जिसके अंदर खाना रहता है, और दो एक्टिवा जाती थी जिसमें से एक एक्टिवा रिटर्न आई और एक एक्टिवा आई नहीं, और 5 से 10 मिनट के बाद ही जो है वहाँ से एक अननोन आदमी का फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा आदमी एक्टिवा से गिरा पड़ा हुआ है, आप लोग जल्दी से ऊपर आओ। तो हम लोग सब लोग ऊपर जब गए तो जाने के बाद हमारे को मालूम पड़ा कि हमारा ये लड़का गिरा हुआ है, उसकी खून काफ़ी जा रहा था सर से भी और टांग से भी, तो कल हम लोग ने उसको कलवा हॉस्पिटल में एडमिट कराया फिर उसके बाद जो है कल रात को 3 बजे जब उसका सीटी स्कैन निकाले तो ये मालूम पड़ा कि उसके दिमाग में क्लाउड हो गया है ब्लड का, तो कलवा में वो सुविधा नहीं थी तो फिर उसको एमरजेंसी में हम लोग ने साइन में शिफ्ट किए। नहीं ऐसा कुछ पता नहीं चला, नहीं कल पुलिस स्टेशन से दो लोग आए थे स्टार्ट में, लेकिन वो हम लोग इतनी इमरजेंसी में थे कि उनसे कुछ बात इस बारे में अभी तक हो नहीं पाई। अभी तो ठीक है तबीयत, लेकिन क्लाउड है दिमाग पे, तो अभी पहले डॉक्टर लोग उसी का उधर चेकअप वगैरह चालू है, उसके बाद इंशाल्लाह अभी 48 घंटे का टाइम दिया है डॉक्टर ने। आप लोग भी दुआ करिए, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि एक अच्छे काम के लिए आदमी गया था, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। किसका? मेरा नाम यूसुफ मेमन, पतंग वाला। वहीं दूसरी घटना जो 21 अप्रैल की सुबह में ठाणे की तरफ से कल्याण की तरफ जाने वाले एक ट्रक जो मुंब्रा बाईपास पर मुंब्रा देवी मंदिर के नज़दीक एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। पीछे से टक्कर मारने की वजह से ट्रक का केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में ही बुरी तरह से फंस गया, मगर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मचारियों ने बड़ी मशक्कत कर उसे चालक को केबिन से बाहर निकाला गया। चालक का नाम रमेश पाटिल 60 वर्षीय है और इसके पैर में भी काफ़ी चोट लगी है। चालक का इलाज कलवा शिवाजी अस्पताल में चल रहा है। बहरहाल मुंब्रा बाईपास पर दो दिनों में दो हादसे सामने आए हैं जिसमें एक व्यक्ति का पैर टूट गया और सिर में गंभीर चोट लगी है, तो वहीं ट्रक चालक के पैर में भी काफ़ी चोटें लगी, यानी दो अलग अलग घटनाओं में दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं और दोनों का इलाज चल रहा है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।